हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं तरुणा अग्रवाल आज आपको एगलेस मार्बल केक बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले आप लॉफ्टन लें, उसे कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लें और नीचे एक प्लेन पेपर लगा लें। अपने ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट पर लगा दें। एक प्लेट में 1 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इकट्ठा मिलाकर उसे छान लें। छानने से ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स का सेट आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। अब इस फ्लावर मिक्सचर को एक तरफ रख दें। एक अलग बॉल में 1/2 टिन कंडेंस मिल्क लीजिए। उसमें 3 टेबलस्पून आपको एक एक चम्मच कर घर की पिसी हुई चीनी मिलानी है और इसको ट्विन ब्लेड बीटर से मिक्स करना होगा। बीटिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज यानी कि एक ही डायरेक्शन रहेगी ताकि आप अपने मिक्सचर को फ्लफी कर सकें। 3 चम्मच चीनी मिलाने के बाद आप अब इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस मिलाकर फिर उसको अच्छे से मिक्स कर दें। वनीला एसेंस इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। अब आप 1/2 कप कुकिंग ऑयल रेडी कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सचर में मिलाते जाइए ताकि आपका सारा ऑयल इस बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। साइड पर ज़रा भी ऑयल रहना नहीं चाहिए। मिक्स करने के बाद अब आप अपने फ्लावर मिक्सचर को लीजिए और 1/2 कप दूध के साथ थोड़ा थोड़ा दूध और थोड़ा थोड़ा फ्लावर मिक्सचर इसके अंदर अब आप रबर स्पैचुला से मिक्स कीजिए। इस समय आप ट्विन ब्लेड बीटर से काम नहीं करेंगे। साइड लगे मिक्सचर को भी आप साथ साथ उतारते रहिए और पूरा मिक्सचर आप अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपका कंप्लीट बैटर रेडी हो गया है। आपको साइड्स पर कुछ एयर बबल्स भी अपेयर होते दिखेंगे। आप कुछ नट्स को चॉप करके उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके इस मिक्सचर में ऐड भी कर सकते हैं। मैदा स्प्रिंकल करने से आपके नट्स बॉटम पर सिंक नहीं करेंगे। एक अलग बॉल लीजिए और इसमें आप अपना कोको मिक्सचर रेडी करेंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा मिक्सचर निकाल कर उसमें 1 टेबलस्पून कोको पाउडर और थोड़ा सा दूध इसके अंदर मिलाकर इस मिक्सचर को मिक्स करके अपना कोको मिक्सचर रेडी कर सकते हैं। अब आपके पास प्लेन एंड कोको दो मिक्सचर्स रेडी हैं। अपने टिन में आप बेस पर सबसे पहले प्लेन मिक्सचर को डालकर उसको स्प्रेड कर लें, फिर उसके ऊपर से आप दूसरे कलर का मिक्सचर डालेंगे बिकॉज हमें एक मार्बल इफेक्ट को क्रिएट करना है। प्लेन मिक्सचर को डालकर आप उसको स्प्रेड कीजिए। अब कोको मिक्सचर डालिए, उसको भी थोड़ा सा बीच में कहीं कहीं पर रैंडमली स्प्रेड कर दीजिए। फिर वापस आप प्लेन मिक्सचर डालिए और फिर आप अपना कोको मिक्सचर बाद में दोबारा डालेंगे। इस रेसिपी को बनाते समय अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं फ्री होने पर आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगी। लास्ट में आप अपने सारे मिक्सचर को ख़त्म करके इसको फॉर्क से डिस्टर्ब करके एक मार्बल इफेक्ट क्रिएट कर अपने ओवन में डालिए। ओवन में डालने के लिए आप इसको 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स पे टाइमर को सेट करके बेकिंग पे रख दीजिए। आपकी बेकिंग स्टार्ट हो गई। आफ्टर ऑलमोस्ट 35 मिनट्स आपका केक रेडी हो जाएगा, लेकिन इसको डीमोल्ड करने से पहले आप थोड़ा ठंडा कर लीजिए, नहीं तो आपका केक निकलते समय ब्रेक हो जाएगा। पेपर को हटाइए, इस लॉफ को एक सर्विंग डिश में रखिए और आराम से स्लाइसेस में काट लीजिए। आप अगर इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो कमेंट्स में आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।